गुड इवनिंग क्लास। हाँ जी, डिस्कशन। हाँ, रेस। रेस कौन सी है? 43। हाँ जी, आंसर बोलूं? फर्स्ट का आंसर दिल्ली, सेकंड कलकत्ता, थर्ड बॉम्बे, फोर्थ बॉम्बे, फाइव बॉम्बे, सिक्स कलकत्ता, सेवन आगरा, एट बॉम्बे, नाइन दिल्ली, टेन आगरा। दोबारा, फर्स्ट दिल्ली, सेकंड कलकत्ता, थर्ड बॉम्बे, फोर बॉम्बे, फाइव बॉम्बे, सिक्स कलकत्ता, सेवन आगरा, एट बॉम्बे, नाइन दिल्ली, टेन आगरा। हाँ जी, कुछ पूछना है? नाइन्थ और टेंथ से पहले कुछ? सेवन एट, नाइन टेन सेवन एट से पहले कुछ? फर्स्ट सिक्स, क्या बात, वन सिक्स सेवन एट नाइन टेन, बहुत बढ़िया। हाँ जी, क्या हो गया इसके अंदर? इन द फिगर देयर इज अ कंडक्टिंग वायर हैविंग करंट आई एंड व्हिच इज, अरे वो येलो सेलो बना के डरा रखा है तुम्हें, कुछ भी नहीं है, क्यों और क्या, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसमें अपन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की कैसे फोर्स कितनी होती है, आई एल क्रॉस बी होती है, तो आई एल क्रॉस बी करो और कुछ हो जीवन में, खुशियां खुशियां और क्या, ये कैसे घूमेगा ये ऐसे जा रहा तार, तार ऐसे जाने दो, हमें तो इससे मतलब है, बेकार सवाल हो गया फिर तो। डी एल क्रॉस बी फोर्स लग जाएगी और कितनी होगी, आई डी एल की वैल्यू टू बी इंटू बी मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 90 हो जाएगा, हो गया, मतलब यही आंसर है। सेकंड, थर्ड, हाँ थर्ड, थर्ड भी ऐसा ही होगा। इन द फिगर द फोर्स ऑन द वायर एबीसी इज इन द गिवन यूनिफॉर्म फील्ड पी, पी दे रखा है, ठीक है, फोर्स ऑन वायर पूछा है, अब पूरा स्टाइल बना दिया उन्होंने, एक लाइन ऐसी फिर ये ऐसी, अरे सबको बताओ ना, शुरू वाले पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक जोड़ दो पकड़ के, अरे अच्छा ये बनाए, अगर मान लो ऐसा बना होता तो क्या करते, क्यों एलिवेटर करना है ना अपने को, तो एलिवेटर क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जोड़ो और खुश रहो, तो ठीक है तुमने जो किया वो भी ठीक है, पर तुमने पहले इसके ऊपर फोर्स निकाली होगी, फिर तुमने इसके ऊपर फोर्स निकाली होगी, फिर दोनों को ऐड किया होगा फैक्टोरियली, गलती कर दी होगी उसमें कुछ, ठीक है, सीधे सीधे लाइन खींच लो, और ये लाइन कितनी आ जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी है, अरे वाह डेटा भी इतना सुंदर दे रखा है, चीख चीख के बोल रहा है कि तीन चार पांच करो, तीन चार पांच करो, पांच कर लो भैया, ठीक है ना, हो जाएगा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर तीन, फिर आया चार, दो चार, दो चार, पांच, दो पांच, पांच, क्या हुआ, जीरो, क्लोज लूप है, इसलिए क्लोज लूप पे फील्ड जीरो, फोर्स जीरो होती है जब फील्ड यूनिफॉर्म होती है, ये फील्ड यूनिफॉर्म है ही नहीं, तो आपको हर एलिमेंट पे जा जाके देखना पड़ेगा, जैसे अगर ये तार ऐसा है, ठीक है, ये तो पीछे वाली लाइन हो गई, ठीक है, करंट इधर जा रहा है ऐसे, तो अगर फील्ड लाइन इस तरीके से है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे करंट बाहर निकल रहा है, और बी किधर है, इधर की तरफ, इधर, तो डीएल क्रॉस बी किधर आएगा, करंट बाहर है, हाँ, तो डीएल और क्रॉस बी जो फोर्स आएगी, डीएल बाहर है और बी इधर है, तो डीएल अगर बाहर है और बी इधर है, तो डीएल क्रॉस बी थोड़ा सा इधर टेढ़ा आएगा नीचे की तरफ, इधर ऐसे यहां पे देखते हैं, तो यहां पे डीएल अंदर है और बी ऊपर की तरफ है, तो डीएल क्रॉस बी, डीएल सॉरी फील्ड नीचे की तरफ है, तो डीएल क्रॉस बी जो आएगा वो इधर की तरफ आ जाएगा, अब इसकी वजह से इधर है, इसकी वजह से इधर है, ये राम शाम के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट गए, और ऐसे हर राम के लिए एक शाम है, और हर चंटू के लिए बंटू है, सीता के लिए गीता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, सबके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल होते जाएंगे, वर्टिकल ऐड हो जाएंगे, तो जो नेट फोर्स होगी वो नीचे की तरफ आ जाएगी,
ये हुआ पांचवा सवाल, फिर आया छठा सवाल, छह कौन पूछ रहा था, छह आप पूछ रहे, रोहित यस हाँ क्या हुआ छठा, स्फेरिकल सरफेस इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स एस वन एंड एस टू बाय अ सर्कुलर लूप, बहुत अच्छा लगा जान के, स्फीयर इज प्लेस्ड नियर अ बार मैग्नेट, अच्छी बात है, तो नॉर्थ पोल से फिनलैंड इतना तो आपने कभी ना कभी जाना होगा, हालांकि मैं हमने बार मैग्नेट नहीं पढ़ा है, लेकिन इतना तो आपने जाना ही होगा कि ये नॉर्थ पोल होता है साउथ पोल होता है, यहाँ से फिनलैंड बाहर निकलती है साउथ में घुस जाती है, पता है ये बात, अच्छा इतनी बात पता थी क्या, अच्छा हाँ, तब क्या हुआ, थ्रू विच ऑफ द टू पार्ट्स इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लार्जर, बराबर ही आएगा, अरे भाई है तो स्फीयर पूरा, उसमें कह रहे हैं इसको काट दिया, या तो इसकी बात हो रही है या इसकी बात हो रही है, भाई फील्ड लाइंस तो क्लोज्ड होती हैं, तो जितनी घुसेगी यहां से उतनी यहां से भी तो निकलेगी, और कोई ऑप्शन बता दो, ये हो सकता है यहां से घुस के यहां से निकल जाए, तो वो तो इसके लिए काउंट की हुई, उसके लिए क्या होगी, एक बार घुसी एक बार निकल गई, उसकी वजह से फ्लक्स क्या आया, इस लाइन की वजह से फ्लक्स क्या आया, जीरो, और फील्ड लाइन क्लोज लूप फॉर्म करेगी, जो इसको क्रॉस करेगी उसको तो क्रॉस करेगी करेगी, ठीक है ना, बस जीरो आ जाएगा, अच्छा और क्या है, सेवन थ्री है, सेवन एट, हाँ भाई सात आठ, कौन है कौन है कौन है, अच्छा हाँ देखो 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 क्या हो गया इसके अंदर, अच्छा सवाल हो रहे हैं वैसे तुमसे जनरली, तो मुझे सारे के बताने पड़ रहे हैं, अरे नहीं सबको अलग अलग, सबके अलग अलग हो रहे हैं, अलग अलग नहीं हो रहे हैं, क्या कर, चलिए कोई बात नहीं, देखो यहाँ पर कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन ई नॉट जे कैप ई नॉट जे कैप, पहले तो ये बताने की कोशिश करो यार एक बार ट्राई मारो, ये पाथ कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है ई नॉट, और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है बी नॉट, और वेलोसिटी दे दी इधर बी नॉट, कौन सा पाथ होने वाला है, ये इररेगुलर हेलिक्स होने वाला है, बात समझ में आ रही क्या, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो वी और बी ऊपर, तो V क्रॉस B के हिसाब से फोर्स आगे की तरह लगती, बाहर की तरह लगती, तो ये भाई साहब ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं, पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते इस गोले ने एक्सेलरेट करते हुए ऊपर जाना शुरू कर दिया, ये बात समझ में आ रही है क्या, अच्छा तो अब मुझे ये बताओ कि इसका टाइम पीरियड जो होगा ये वाई एक्सिस को कितनी कब कट करेगा, मतलब वाई एक्सिस पे था ओरिजिनली, दोबारा वाई एक्सिस पे कब टच करेगा, टू पाई एम बाय क्यूबी के बाद, और nth टाइम कब टच करेगा, ठीक है, अच्छा जब भी ये इसको टच करेगा इधर वाली वेलोसिटी तो भी नॉट ही होगी, एक इधर वाली वेलोसिटी और आ जाएगी, अब देख लेते हैं क्या पूछा इन्होंने, सेवेंथ क्वेश्चन है, y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट क्रॉसेस y एक्सिस फॉर दैट टाइम, तो भाई इस डायरेक्शन में तो एक ही एक्सेलरेशन है, कितनी q into e नॉट by m एक्सेलरेशन है क्या, इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इतने टाइम में ये कितना ऊपर चला जाएगा, निकाल लोगे क्या, ये पूछा है कि जब ये nth बार nv बार जब ये वहां टकराएगा तब तक कितना कितना डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाएगा, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर, ये तो जीरो हो गया, हाफ एक्सेलरेशन t स्क्वायर, ठीक है क्या, आंसर आ जाएगा इससे मुझे लिखा हुआ, और दूसरी बात क्या पूछिए, दूसरा पूछा है कि एंगल कितना उस टाइम पे, तो लो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी नॉट होनी है, इधर वाली वेलोसिटी कितनी होगी, 80 नहीं, अरे वी को डुप्लेस एडी लगा लें, तो ये रहा टाइम, ये टाइम है जितना टाइम की बात हो रही है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी हो जाएगी वो इधर की तरफ 80 हो जाएगी, ए ये लिखा है, ये ए है, ये टी है, तो वेलोसिटी 80 हो गई, तो रिजल्ट ये एंगल कितना बनेगा, तो एंगल कहाँ से पूछा हुआ है, y एक्सिस से एंगल पूछा हुआ है, तो ये वाला एंगल पूछा हुआ है, तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v नॉट अपॉन 80, बस tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी v नॉट अपॉन 80, ये रहा t, वो रहा a, तो समझ आ गई ये वाली बात, अच्छा ये हुआ 7-8, फिर आए 9-10, 9-10 9 में क्या हो गया, इसमें क्या हुआ, अच्छा हॉल्स वोल्टेज ये क्या चीज होती है, हाँ तो ये क्वेश्चन दूसरा भी था, दूसरे क्वेश्चन में भी यही चीज है, हाँ जी
हाँ वो सिर्फ डायरेक्शन के लिए था, वही कंसेप्ट यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी अगर, तो उसका जो गैप है उससे मल्टीप्लाई करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगा। समझ आ रही बात? एनीवे देख लेते हैं, पूरा सवाल देख लेते हैं क्या हो रहा है इसके अंदर। अगर मैं यहाँ नाइन्थ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो नाइन्थ क्वेश्चन पे क्या होगा देखिए। अब ये कंडक्टर, ये है, ये कंडक्टर दे रखा है आपको, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो अंदर की तरफ है, ये एक्स है, और जो हाइट दे रखी है आपको वो वाई दे रखी है, और जो गहराई दे रखी है वो जेड है, ठीक है, बराबर हो गया। तो जो ये जो गहराई दे रखी है वो जेड है। अब इसमें जो करंट घुस रहा है वो यहां से घुस रहा है, वहां से बाहर निकल रहा है, ठीक है, करंट जो है वो यहां से घुसा वहां से बाहर निकल गया। तो हमें कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हम बात करें, अगर करंट उधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो इसका मतलब वेलोसिटी इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो वी क्रॉस बी के हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ इकट्ठे होंगे, या इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, नहीं सॉरी V क्रॉस B नीचे की तरफ आ रहा है पर इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव भी चार्ज है तो उसमें फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, तो एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितनी लगेगी ऊपर की तरफ, वो हो जाएगी E VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू B। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम सुना है आपने, अच्छा तो E VD भी लग गई फोर्स ऊपर, ये फोर्स लग गई ऊपर की तरफ। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई जैसे ये करंट जाना शुरू हुआ सारा का सारा चार्ज ऊपर जाके इकट्ठा हो गया, जाया जा रहा है जाया जा रहा है, अरे भाई कंजर्व चार्ज है कितना चला जाएगा, कभी तो इक्विलिब्रियम में आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक टाइम के बाद एक इलेक्ट्रॉन कहेगा क्योंकि ऑलरेडी कई सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर इकट्ठे हो गए और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो तो सारे इलेक्ट्रॉन पर लग रही है। अब देखो हो क्या रहा है, जैसे ये कार्यक्रम शुरू हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगी ऊपर की तरफ, सारे इलेक्ट्रॉन पर लगी, और ऐसा कुछ खास बात थी नहीं कि हाँ ठीक है चलने को तपन तैयार है, बहुत सारी जगह है तो थोड़े से इलेक्ट्रॉन वहां इकट्ठे हो गए। प्लीज नोट, इलेक्ट्रॉन वहां इकट्ठे होते हैं इफेक्टिवली यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, आ गया क्या, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी नीचे की तरफ। अब इसका मतलब अगला जो इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन वहां इकट्ठा हुआ तो यहाँ पे इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज आ गया, अगला जब इलेक्ट्रॉन गया तो उसको ऊपर जाने में थोड़ा कष्ट होगा, क्योंकि ऊपर से एक और इलेक्ट्रॉन खड़ा है वो उससे रिपेल करेगा और नीचे वाला पथ पुकार रहा है तो उसकी जाने की इच्छा थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन चलो मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग थी ले उसको। अगले इलेक्ट्रॉन के जाना तो थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि अब तो दो दो इलेक्ट्रॉन खड़े हैं, अब चलो दो इलेक्ट्रॉन खड़े हैं वो अलग बात है, नीचे दो प्लस खड़े पुकार रहे हैं कहते हैं यार बंद तो नहीं है, लेकिन अब मैग्नेटिक फोर्स कह रही है बुलावा आया है तो चलते हैं। अब ऐसे करते 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 मान लो 150 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, उसके बाद अगले वाले तो हड़ताल कर दी जाए कुछ कर लो चाहे, तो जितनी फोर्स लगा लो मैं नहीं जाऊंगा ऊपर, तो आई डोंट लाइक इलेक्ट्रॉन्स, नाते धोते हैं नहीं मतलब डीओ मार के आ जाते हैं, भीड़ कर रखी है मैं नहीं जाता ऊपर, और ऊपर से नीचे प्लस का भंडार अगले इलेक्ट्रॉन ने मना कर मैं नहीं जा रहा। एक ऐसा टाइम आएगा जब इक्विलिब्रियम अक्वायर हो जाएगा। इस इक्विलिब्रियम का मतलब बेसिकली क्या है कि यहां पे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रही है पर इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे लग रही है, वो नेगेटिव की रिपल्शन और पॉजिटिव का अट्रैक्शन, अच्छा नीचे पॉजिटिव इकट्ठे हो रहा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ आ गई, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं ई से मल्टीप्लाई करूं तो नीचे की तरफ ई हो जाएगी फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है और ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स कितनी थी, तो क्या मैं कह सकता हूं ये ई के बराबर हो जाएगा अंडर इक्विलिब्रियम, और ये इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी अक्वायर हो जाता है, जैसे ही आपने ये लिखा ई से कटा ई और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा क्या। इस पूरे कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं हॉल्स इफेक्ट, सिलेबस में नहीं है लेकिन उन्होंने आप डाल ही दिया उन्होंने पैसेज के अंदर, इसी को कहते हैं हॉल्स इफेक्ट, ठीक है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कहलाता है हॉल्स वोल्टेज, ठीक है, एचसीवी के एक सवाल के अंदर भी दे रखी है वाली बात, समझ में आ रही बात। अब क्या होगा, पीडीबी की वैल्यू ई के बराबर आ गई, अब करना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ पे ये जो हाइट है वाई से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, सही है क्या,
अब लेकिन उन्होंने वीडी नहीं दे रखा, गंदे लोग। इन्होंने आई इक्वल टू एन ए वीडी को यूज करके वीडी निकालना पड़ेगा, तो आई इक्वल टू एन ई ए वीडी, वीडी क्यों लिखा हो जाएगी आई बाय एन ई ए। क्या है यहाँ पे क्रॉस सेक्शन का एरिया, तो करंट कहाँ जा रहा है, करंट ऐसे जा रहे हैं, तो उसका क्या आपको समझ में आ रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला होगा, समझ में आ रही क्या हो गया ये वाई जेड। तो वीडी को हमने लिखा बहुत ही खुशी खुशी, सॉरी वीडी को लिखा आई बाय एन ई, वीडी को लिखा आई बाय एन ई और ए को लिखा वाई जेड, वाई से कटा वाई बचा आंसर। समझ आई वाली बात, अरे आ गया। अच्छा हाँ कर है, नहीं नहीं वो ये तो एक्चुअली चार्ज, अच्छा एक्चुअली ऐसा है नहीं, जो चार्ज होता है ना, मतलब ये काइंड ऑफ जैसा आप केमिस्ट्री पढ़ते हो ना डायनेमिक इक्विलिब्रियम वैसा होता है, तो मतलब चार्ज है, टोटल चार्ज होता ना ये वहां पे जमा है, कुछ चार्ज आया कुछ चला गया, ठीक है। इनफैक्ट जैसे एक एरोडोमिक सवाल था और पता नहीं आपने किया हुआ है कि नहीं, उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा, मतलब हो सकता है ना एरोडोम ना कराई हो लेकिन सवाल कराया हो, ये तो हो सकता है। जैसे मान लो कि ऐसे ना एक ये दो वायर है, दो सिलेंडर्स हैं, इसकी रेजिस्टिविटी है रो वन, इसकी रेजिस्टिविटी है रो टू, हाँ, और अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कुछ आ गया, मान लो यहाँ का पोटेंशियल जीरो है और यहाँ का पोटेंशियल बी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको, बाकी एरिया और लेंथ सब दे रखी, इसका भी एरिया ए है उसका भी एरिया ए है, सब पता चल रहा है, और क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कितना चार्ज जमा हो जाएगा, कहा ऐसा क्वेश्चन ओवन में है क्या, अच्छा वो रोडो का सवाल है, चलो अच्छी बात। तो अपना मॉड्यूल वैसे बहुत बढ़िया क्वालिटी का, अगर कुछ मैं हर बार मैं देखता हूँ हर बार मुझे लगता है कि वाह यार ये सवाल भी डाल दिया इसके अंदर, तो अच्छी बात है। तो अब यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, अगर सॉरी ये चार्ज कितना आएगा, चलो ओवन में तो है ये तो बहुत बढ़िया बात है, पता है सर ने तो करवाया था, हमने किया था, कैसे करते हैं है? सिग्मा के टर्म्स में बोलना शुरू तो कर दिया पर लगा ही तो गलत है, अकेला रह गया। हाँ तो बेसिकली आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो चार्ज डेंसिटी इक्वल टू रो जे लिखना है, रो दे रखा है आपको जे आई बाई ए हो ही जाएगा, तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक मिल जाएगी इवन और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक मिल जाएगी ई टू। अब बेसिकली देखा जाए तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक गॉशियन सरफेस ऐसा बना लो, एक सिलेंडर जिसका एक फेस यहाँ एक फेस यहाँ है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई इतना तो पक्का है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, तो जो कर्व सरफेस का फ्लक्स कितना आएगा, कर्व सरफेस का फ्लक्स जीरो और दोनों ढक्कनों का फ्लक्स आएगा, इस ढक्कन का फ्लक्स कितना आएगा अगर इसका एरिया ए है तो इवन ए माइनस ई वन है एक्चुअली, ठीक है, और इसका क्या आएगा प्लस ई टू है। उर्दू पारसी तो नहीं लग रही कि क्या बातें कर रहे हो आप, क्या है ये देखा हुआ है सुना पहले, हाँ तो दिस इज इक्वल टू दिस द फ्लक्स एंड दिस शुड बी इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो वहां से इस सरफेस के ऊपर कितना चार्ज इकट्ठा हुआ है वो मिल जाए, तो वही डायनेमिक इक्विलिब्रियम वाली बात है कि पीछे चार्ज आता रहता है आगे जाता रहता है पर यहाँ चार्ज रहता है, एक अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे फिक्स रहता है, ऐसे ही जब इधर जाएगा तो उसकी वजह से ऊपर वाले सरफेस और नीचे वाले सरफेस पर कुछ चार्ज फिक्स हो जाता है, ठीक है, और बाकी जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो भी करता रहता है लेकिन डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहता है, ठीक है। अच्छा और क्या है, दसवां सवाल भी था, अब हो जाएगा, पूछा क्या था वैसे, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ नहीं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, एक तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्जेस की वजह से आई और E इक्वल टू रोजे वाली भी तो है, तो E इक्वल टू रोजे वाली फील्ड इधर की तरफ है, ये वाली फील्ड इधर की तरफ है, दोनों के बीच का एंगल पूछा हुआ है ना, मतलब रिजल्टेंट का एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना निकालोगे क्या, अच्छा और क्या है, ओ वन किसकी मैग्नेटिज्म की, अच्छा वो तो कंप्लीट ही थी ना मेरे ख्याल से, ओ वो 58 से लेके 83 तक छोड़ के, हाँ
हाँ जी पूछो। 51 50 पहले कहां तक कर लेते अपन ने? 45 तक, 44 तक। अच्छा 45, 46, 47, 48, 46 क्या हुआ? वायर 100 ग्राम कैरिंग अ करंट 2 एम्पियर्स टुवर्ड्स इंक्रीजिंग एक्स इज इन द फॉर्म ऑफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, क्या चाहते हो बताओ? वही सवाल हो गया यार। वो पहले अभी एलिप्स था, एलिप्स बना के डरा रहे थे पहले, अब पैराबोला बना के डरा रहे हैं, पर है तो वही, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है ना। डायग्राम बना, डायग्राम कैसे आएगा ये पूछो क्या? वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा होता है? अच्छा हाँ, फिर और क्या चाहिए? फील्ड किधर है? फील्ड इज -0.02 के कैप। ठीक है, तो फील्ड अंदर की तरफ हो गई, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा आएगा? एक बार देख लो, पहले सोच लो। हाँ तो ये इस तरीके का आएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा तो नहीं? अच्छा हाँ, तो अब क्या करना है आपको? तार जो है वो यहां से वहां करंट लेके, कहां से कहीं कहीं तो जा रहा होगा करंट, 2 एम्पीयर का करंट इतना पक्का है। ठीक है, किधर जा रहा है करंट? इंक्रीजिंग एक्स में जा रहा है करंट, तो यानी कि करंट इधर जा रहा है ऐसे, तो अपने को इस तार से को मतलब ही नहीं, हमें तो बस इस दूरी से मतलब है। एक्स कहां से कहां तक जा रहा है? -2 से +2, तो ये -2 और ये +2, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर है तो 4 वाई की वैल्यू इधर भी 4 इधर भी 4। ठीक है, और वाई से मुझे मतलब ही नहीं यार, मुझे तो सिर्फ इस लाइन ये लाइन से मतलब वो 4 है। ठीक है ना, तो बस आईडियल क्रॉस भी IL cross B, DL भी क्या? तो हाँ डायरेक्शन देख लो बस एक बार, तो DL वेक्टर इधर आ जाएगा, B अंदर की तरफ आ जाएगा, फोर्स ऊपर की तरफ लग जाएगी। समझ में आई अगली बात? अच्छा फिर है 47, 48, 49, 50। हाँ भाई 50 में क्या हो गया? स्क्वायर लूप कैरिंग करंट I इज प्लेस्ड ऑन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B एज शोन। The loop can rotate about the axis x x dash. The plane of the loop makes an angle theta less than 90 degree. बहुत खुशी हो जान के। फिर with the direction b, जो z के along है. Okay. Through what angle will the loop rotate by itself before the torque on it becomes zero? क्या बेकार सवाल है? डायग्राम पर समझने की देर है, वैसे तो टॉर्क जीरो कब हो जाएगी? टॉर्क क्या होती है? एक मिनट पहले पूछ कौन रहा है, किससे बात कर रहा हूँ? हाँ दोनों का, दोनों के बीच का एंगल जीरो हो जाए, परफेक्ट, ये चाहिए। तो अब घुमाओ उसको, और क्या, पहले कितना एंगल था? बी वेक्टर, अपने को सिर्फ ये देखना है इसमें कि एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, उतना एंगल घूमना उसको। ठीक है ना, तो एम वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन ये वो छोड़, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा एम वेक्टर। अब देखो प्लेन जो है, क्या आपको दिख रहा है? प्लेन बी वेक्टर से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, यानी कि प्लेन का परपेंडिकुलर वाला जो वेक्टर है वो उधर अंदर की तरफ आएगा, वो पीछे की तरफ। एक मिनट रुको यार, बना दो, क्योंकि अगर आप करंट का डायरेक्शन देखो तो एरिया वेक्टर किधर की तरफ पॉइंट करेगा, ये इन्होंने ऐसा बना रखा है इसको। ठीक है ना, और करंट जा रहा है ऐसे, तो एरिया वेक्टर जो आएगा, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि एरिया वेक्टर इधर की तरफ पॉइंट कर रहा है, पीछे की तरफ? ठीक है, और बी वेक्टर इधर की तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और इन्होंने ये कह रखा है कि अगर ये बी वेक्टर है और ये वाली जो लाइन है ये एंगल बना रही थीटा, यही है ना तो देख रहा है? हाँ यही ना, तो इसका, अच्छा इसका मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अगर इसको छोड़ेंगे तो ये इधर आएगा या उधर जाएगा? उधर जाएगा, तो जाने से पहले ये कितना एंगल कवर कर जाएगा? 180 माइनस 90 डिग्री, यानी कि 92 डिग्री, तो आंसर 92 डिग्री होगा। वही है क्या? क्या हुआ? 3D में स्वागत है। हाँ 3D अभी देखना शुरू नहीं हुआ है बच्चे से,
एक काम करते हैं, इसको अपन ऊपर से देखते हैं, मतलब y की तरफ से देखेंगे कि जैसे y का जो y एक्सिस का जो तीर है वो सीधे हमारी आंखों में घुस रहा है। तो ऐसे जब ऊपर से देखोगे तो डायग्राम कैसा नजर आए, आओ देखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब आप यहां देखोगे तो पहली बात तो आपको y तो बाहर की तरफ है, ठीक है, मान लो ये रहा x और ये रहा z, ठीक है, तो नहीं डबल हो गया, x उल्टा हो गया, x उधर कर दे, हाँ क्योंकि तो i cross j जो है वो k बनना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो ओरिजिन से xz प्लेन में ये जो वायर है वो ये प्लेन है एक्चुअली उसका, ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में। ऊपर से देखोगे तो ये पॉइंट सी है, उसके नीचे डी है, और ये पॉइंट बी है, उसके नीचे ए है जो कि ओरिजिन पे है। पहले तो मुझे ये बताओ ये डायग्राम समझ में आएगा क्या कर दिया मैंने, और जो मुझे करंट जाता हुआ नजर आएगा वो कहां नजर आएगा, बी से सी या सी से बी, इधर देखो बी से सी या सी से बी, डायग्राम देख लो बोली बी से सी, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, क्योंकि ये ऊपर वाला तार है, ये ऊपर वाला तार है, तो वहां जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा क्या, अच्छा, और करंट टेंपर दे रखा है, एरिया दे रखा होगा आपको, साइड टेंशन भी दे रखी है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट ही पूछा है बस, तो मैग्नेटिक मोमेंट की तरफ कितना आएगा अब तो निकाल सकते हैं यार। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड एम हो गया, एम की वैल्यू हो गई आई 10 है, और एरिया दे रखा है 0.1 का स्क्वायर, सेंटीमीटर में तो नहीं मीटर स्क्वायर में है ना, हाँ ठीक, और नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है, एक ही लूप है, तो ये आ जाएगा एम। अगर ये है एम, प्लीज नोट ये एंगल 30 है तो ये एंगल 60 है, तो ये एंगल भी 60 है, तो क्या मैं इसको एम कॉस 60 आई कैप माइनस एम साइन 60 के क्या बोल सकता हूं, क्योंकि जे जेड नीचे की तरफ है तो ऊपर माइनस के है, समझ में आ रहा है क्या, पूछा किसने था, हाँ समझ में आ रहा है, अच्छा बस यही आंसर, ठीक है, अच्छा 50, ये 51 था, 52 56 था कुछ और, हाँ कौन पूछ रहा है, अच्छा एक ही करके मतलब ऐसे थोड़ी होता है, चीटिंग है, एक बंदा वहां 51 एक 52 फिर एक 53, हमने तो एक ही पूछा पर लेकिन बाकी सब तो देख रहे हैं ना, हाँ क्या करें, इसका रेडियस आर कैरिंग पॉजिटिव चार्ज की उस रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा यूनिफॉर्म एनर्जी विल बी अबाउट, ठीक है बहुत खुशी हुई जान के, हाँ क्या है मैं क्या करूं अरे मैग्नेटिक मोमेंट निकालेगा, कैसे निकाला मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला, वो डिस्क वाला याद है वो, अरे वो जो फॉर्म वो बताया था एल बाय, हाँ एम बाय एल कर लो, तो म्यू बाय एम की, म्यू बाय एल की वैल्यू आती है क्यू बाय टू एम, ऐसे नहीं तुमने एंगल कुछ और ही किया था ना, तुमने मोमेंट ये मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए क्या किया था बेटा, डिस्क है, डिस्क घूम रही है, डिस्क में तुमने आई क्या लिया, क्यू बाय टी कर दिया, तो वो पूरी जो पूरा चार्ज है, गलती समझ में आ रही है कि वो जो पूरा चार्ज पूरी डिस्क पे फैला था तुमने सिर्फ रिंग पे मान लिया, इसलिए क्यू बाय टी कर दिया तुमने, तो वो सिर्फ एक रिंग आया, और फिर तुमने रिंग का ही मैग्नेटिक मोमेंट निकाल दिया, आई तो आई आ गया, एन वन मान लिया होगा और एरिया पाई आर स्क्वायर कर दिया, तो वो रिंग एक्चुअली तुमने पूरा सवाल सही किया है, बस खुद का सवाल बना लिया है, तुमने डिस्क बोल रखी थी तुमने उसको रिंग बना के सॉल्व कर लिया, रिंग बना के तो सही किया, ठीक है, लेकिन वहां डिस्क है, तो डिस्क के लिए मैग्नेटिक मोमेंट इस तरीके से लिख लो, ठीक है, ऑप्शन में तो है ही वो बिल्कुल, बाएं फैलाए खड़ा है आ जाओ, अच्छा 53 54 55 56 56 एक मिनट, लॉन्ग वायर कैरिंग करंट आई इज फिक्स्ड विद एक्स एक्सिस, another parallel wire carrying a current in the opposite direction is kept at a distance d above the wire in the actual area, ek minute ruko
रुको रुको रुको, चित्रकारी करने तो पहले वेरी लॉन्ग आया करंट आई है, एक्स एक्सिस बहुत लंबा तार है करंट आई है इसका। अनदर पैरेलल वायर कैरिंग अ करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, इसके अंदर डिस्टेंस डी बहुत वायर है, ऐसा कोई लग रहा है कि ऐसा कुछ किया हुआ है हमने पहले से, ये डिस्टेंस डी है करंट उल्टा जा रहा है। द सेकंड वायर इज फ्री टू मूव पैरेलल टू इटसेल्फ, ऑप्शंस अवेलेबल फॉर इट्स स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स आर इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स सॉरी पॉजिटिव एक्स, ये वाला हो गया पॉजिटिव वाई एंड पॉजिटिव जेड, ठीक है, टेकिंग ग्रेविटी इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन। हाँ बोलो, ये तो क्या हुआ सवाल है अपना। हाँ भाई देख ऐसा है, जैसे मान ले ये तो ये एज होगी एक तार जो फिक्स है, एक दूसरा एज होगी ये वाला तार, डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिपेल करेगा ट्रैक करेगा, रिपेल करेगा तो ये इसको रिपेल कर रहा है। अब अगर मान लो आपने जेड में मूव किया इसको, तो जैसे टेढ़ा मूव करोगे क्या होगा, ये इधर रिपेल करेगा, पर mg को बैलेंस करने वाला तो कोई होगा ही नहीं, मतलब एक कंपोनेंट ही होगा जो mg को बैलेंस करेगा, लेकिन एक mg की नेट फोर्स आएगी उसकी वजह से कहीं ना कहीं नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना। अगर अगर डिस्प्लेस करने पे वापस जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ, सॉरी इक्विलिब्रियम की तरफ, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है, लेकिन डिस्प्लेस करने पे अगर वो दूर भाग गया तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है, ठीक है। ये क्या हुआ 52 नहीं सॉरी ये कौन सा 56 हो गया 57 उसने अभी किया वैसे हमने ये वाला, अब हो जाएगा शायद, है ना। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट को कंसीडर कर लेना, इसमें प्रोटॉन्स का करना है क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, इसमें प्रोटॉन्स के लिए करना है, बोल दिया फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है। 58 59 ओ सॉरी ये तो सब हो गया, हाँ जी 57 तक दिए थे, एक पूरी नहीं थी, मतलब 58 से लेके 83 तक छोड़ने को बोलूंगे मैंने, अच्छा उसके बाद वाले हो चुके हैं पहले, ओ बहुत ही बढ़िया। और O2 भी है, O2 में तो 11 साल थे ही, कितने 2-3 ही बचे थे, 5 में तो HCV कर रहे हो तुम लोग, मतलब एक तो वो कुछ 35 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने दिए थे तुमको, तो मुझे पता नहीं कैसी फील आ रही है कि अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर दे दूं तुम्हें तो तुम नहीं करोगे, है ना, मतलब जब तक वो मैं ये नहीं बोलूं कि करके लाना डिस्कस करेंगे तब जाके शायद हम करें ऐसा, ये क्या ये मेरी फील सही है क्या, है ना। हाँ नहीं, मुझे मुझे मेरे को क्या परेशानी भाई, देखो ऐसा अगर तुम आई टी चले जाओ तो सारे खून माफ है, कर लो जितना परेशान कर, क्या क्या कर लोगे भाई, मुझे तो 1.5 घंटे यहाँ खड़े रहना है, खड़े देखो, और ऐसा होता है नहीं कि मुझे सवाल सॉल्व करने पड़ जाएंगे उसके लिए, सवाल तो सॉल्व नहीं है, तो पूछोगे बता दूंगा, ठीक है। लेकिन बस मैं एक्चुअली कभी कभी सवाल ना बताने का मेरा रीजन सिर्फ छोटा सा ये रहता है कि आई डोंट वॉन्ट टू गिव यू अ लॉट ऑफ हैंडीकैप, जो वो बैसाखी की आदत नहीं पड़ जाए, तो 2 मिनट देखा अच्छा नहीं लग रहा सर से पूछेंगे यार, तो उससे क्या होगा, वो तुम्हारे वो ये तो वही वाली बात होगी जिम में गए और डंबल ट्रेनर से उठवा लिए, तो बताओ कैसे उठाते, नहीं बताओ बताओ, अच्छा 10 का सेट कैसे मारते बताओ, और वो बेचारा वही मारे यार, तो बॉडी किसकी बनेगी, उसकी बनेगी तो तुम्हारा क्या फायदा होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं मतलब मैं फोर्स करता हूँ या सजेस्ट करता हूँ या पुश करता हूँ कि करो खुद से, मुझसे क्यों उठवा रहे हो, चलो आगे बढ़े। O2 में क्या पूछना बोलो भाई, 18th, हाँ बढ़िया सवाल है। अब दिक्कत यह है कि यहाँ पे मैग्नेट फील्ड वेरी कर रही है, ठीक है, अगर मैग्नेट फील्ड वेरी कर रही है इसका मतलब तो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा ना हमको, कि ये जो लूप दे रखा है आपको ये ऐसे दे रखा है, अब तो वहां पे आपको यहाँ ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे राम शाम पकड़ने पड़ेंगे। अब इसमें जो करंट जा रहा है वो लेफ्ट से राइट जा रहा है, यहाँ पे जो डीएल वेक्टर है वो इधर है, यहाँ डीएल वेक्टर ऊपर की तरफ है, ये बात समझ में आ रही। अच्छा बी जो भी है एक्स के अबाउट सिमेट्रिक तो है ही सही, ठीक है ना, बस डायरेक्शन पलट जाएगा, मतलब जब एक्स पॉजिटिव है तो फील्ड बाहर की तरफ है
और जब x नेगेटिव है तो उतना ही है पर अंदर की तरफ है, ये बात समझ में आ रही है क्या? फॉर टू पॉइंट विच आर इक्वली अवे फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, फील्ड जो होगी वो बराबर बराबर आने वाली। अब v क्रॉस b अगर देखेंगे तो कितना आएगा, v क्रॉस b तो यहाँ पे सॉरी dl क्रॉस b किधर आएगा, तो dl इधर है और b बाहर की तरफ है, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो इधर की तरफ लग जाएगी, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है क्या? और इस पे dl क्रॉस b किधर लगेगा, dl जो है वो इधर है और b अंदर की तरफ है, तो dl क्रॉस b जो फोर्स होगी वो इधर की तरफ लग जाएगी। अगर ये राम श्याम की बात करें तो हमें ये बात स्पष्ट रूप से नजर आ रही है कि इनके वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल होने वाले हैं और हॉरिजॉन्टल वाले ऐड होने वाले, ये बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा जो अच्छा ये कोई मेरे कोई मतलब सगे तो थे नहीं, मतलब अगर ये राम है तो ये श्याम है या सीता है तो अंगीता है एक्सेट्रा, तो ये तो मैंने कोई रैंडम पॉइंट चूज किया था और इन दोनों का रिजल्ट लेफ्टवर्ड्स आ रहा है, यानी कि सबका ही लेफ्टवर्ड्स ही आएगा, यानी कि इस पूरे पे कुल मिला के फोर्स लेफ्टवर्ड लग जाएगी माइनस एक्स डायरेक्शन में, ये पूछा हुआ है मैंने, फोर्स किधर होगी बस ये पूछा हुआ था। और आगे के बाद अच्छा और 19 तो शायद कर लिया था हमने, 19 जैसे क्वेश्चन 20 अच्छा है हाँ अच्छा, इसमें फ्रिक्शन है क्या? फ्रिक्शन के बारे में कुछ कहा नहीं है, तो क्या हम फ्रिक्शन मानेंगे या नहीं मानेंगे? हाँ फ्रिक्शन है, इनफैक्ट मतलब मेरे मन में जो ख्याल आता है सवाल को देख के वो ये है कि एक क्वेश्चन और बन सकता था कि बताओ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, और वो है mg sin थीटा, क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है, क्लोज लूप है, नेट मैग्नेटिक फोर्स कितनी आएगी, क्लोज लूप है ना, क्लोज लूप है जो मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप पे कितनी फोर्स लगाती है, जीरो। तो अगर देखा जाए तो उस रिंग के ऊपर फोर्सेस कौन कौन सी है, वो रिंग है या जो भी चीज है, क्या है वो स्फीयर है, उसमें क्या क्या फोर्सेस है, एक mg और एक नॉर्मल और एक फ्रिक्शन, तो आएगा ही आएगा क्योंकि वो mg sin थीटा जो है वो एग्जैक्टली फ्रिक्शन से कैंसिल होगा और नॉर्मल mg cos थीटा को कैंसिल करेगा, समझ में आ रही वाली बात, बना के देखो दिख रहा है। अच्छा सवाल पूछना है क्या किसी को, वैसे हो गया अभी ठीक 21 में क्या बना दिया ना इन्होंने, गंदा गंदा से गंदे लोग ये क्या नहीं कहते रहते। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लूप एट अ पॉइंट पी ए कॉमा जीरो कॉमा ए पॉइंट इन द डायरेक्शन, कैसे करोगे इसको, है ना बड़ा भारी नहीं हो जाएगा ये हर वायर की ओर से निकाल निकाल के, ये ऐसा दिया ना, यही है ना, कैसे जा रहा करंट इधर से इधर 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 इधर, जल्दी से करें एक काम करो यहाँ पे तार मान लो जिसमें दोनों करंट है, तो ये वाला भी कंप्लीट हो गया, ओ सॉरी हाँ तो ये वाला भी कंप्लीट हो गया, एक काम मैंने मान लिया बीच में, तो ये भी कंप्लीट हो गया और वो भी कंप्लीट हो गया। अब इसकी अगर यहां सामने पूछा है तो इसकी वजह से फील्ड इधर होगी और उसकी वजह से फील्ड इधर होगी, तो रिजल्टेंट यहां नहीं आ जाए, समझ में आ रही क्या बात, नहीं आई अच्छा ठीक है, क्या ऐसी क्या था, कितने लोगों ने ऐसी किया था, अच्छा लेकिन अच्छा अगर आपने एक एक तार मान के और फिर भी आंसर निकाल लिया, शाबाश बड़े मेहनती हो तुम, है नहीं लेकिन हिम्मत भी तो करनी पड़ती है, ठीक है हो गया वाला बात है, लेकिन हिम्मत करी उसके लिए कह रहा हूं, ठीक है ना, हैं हिम्मत तो बहुत कम, सवाल ये है कि ये सवाल एग्जाम में आ जाए जेई में मान लो छोड़ के दोगे यार, अच्छा 22 पूछना है, ये सी स्क्वायर कहां से आ गया इसमें, बताया था क्या मैंने, हाँ एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू नॉट की वैल्यू 1/c² के बराबर होती है, तो मुझसे क्या चाहते हो सॉल्व करूं गणित लगाऊं, अरे 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 लो देखो भाई दो प्रोटॉन है, दे मूव पैरेलल टू ईच अदर कीपिंग रेजिस्टेंस आर बिटवीन देम, तो ये ऐसे जा रहा प्रोटॉन, ठीक है तो इनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगी वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गई, एंड दोनों की वेलोसिटी v है, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कितना होगा? तो पहली बात तो ये है कि इसकी वजह से यहाँ पे वो याद है ना वो म्यू नॉट जो बताया था वाली बार, तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी है चार्ज की, इलेक्ट्रॉन है या ई चार्ज है प्रोटॉन है और इधर जा रहा है, पहली बात उसकी वजह से फील किधर होगी? तो या तो यहाँ से देख लो वी क्रॉस बी, वी क्रॉस आर, तो वी इधर है और आर इधर है, तो वी क्रॉस आर की वजह से यहाँ पे जो फील आएगी वो बाहर की तरफ आएगी, और कितनी आएगी, कितनी आएगी? वो आएगी म्यू नॉट ई अपॉन फोर पाए इंटू वी वेक्टर दे रखा है, आर की वैल्यू डी हो जाएगी, डी देखा आर, आर ही दे रखा है, आर मान, यहाँ पे आर मैंने माना तो यहाँ पे भी आर ही मान लेता हूँ, अपॉन आर क्यूब, और V और R के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो यहाँ पे साइन 90 वाले से, तो आप चाहो तो ये क्या आ गई मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी ये तो मैग्नेटिक फील्ड आई है, ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी QVB, QV क्रॉस V एक्चुअली, तो वो कितनी आएगी, तो Q और V, अब भी तो पूरा ही सही समझ में आ रही है वाली बात, साइन 90 फिर से बन हो गया, तो अब बेसिकली आपको इसके इसका रेशियो निकालना है, तो वाह क्या धड़ल्ले से कटेंगे, मजा ही आ जाएगा, ये ई स्क्वायर से कटा ई स्क्वायर, आर स्क्वायर से कटा आर क्यू, फिर एक आर स्क्वायर वो भी कटा, फोर पाई से कटा फोर पाई, साइन 90 से बेचारा खुद ही आपस में कट गया, खुद ही कट गया बेचारा, शहीद हो गया, और बचा गया वन बाय एप्सिलॉन नॉट और वन बाय म्यू नॉट वन बाय वी स्क्वायर, करो फिर पूछो आज आज की शाम डिस्कशन के नाम, हाँ S1 हो गई थी इसकी कंप्लीट हो गई, 10 तक हुए थे और दिए नहीं थे ना, अरे कहां गई, हाँ बोलो भाई सेकंड क्वेश्चन, मरकरी में क्यों डाला इसको, हाँ एक्चुअली मर्करी वैसे डाला नहीं, कनेक्शन मेंटेन करना ही है, बात ये है कि बेसिकली हो क्या रहा है, अच्छा क्वेश्चन है ये, बढ़िया सवाल, अच्छा रेस्ट टू का है तो सही होगा बोलने की जरूरत नहीं थी वैसे, क्वेश्चन समझ में आ, यू शेप वायर ऑफ मास एंड लेंथ एल इज इमर्स इन इट इन इट्स टू एंड्स ऑफ मर्करी, कुछ लोग तो यही भी देखे अरे क्या ये मर्करी क्यों डाल दिया, द वायर is in a homogeneous field of magnetic field B, ये बहुत अच्छा हुआ field uniform है, ठीक है ये तार है और इधर मकरी में डुबो के रखा हुआ है, ठीक है अच्छा, और मकरी के अंदर यहाँ पे ये भी metallic container होंगे या वैसे लगा रखे, तो बढ़िया करंट जा रहा है उसके अंदर, जब कब तक जा रहा है, जब तक कि वो मकरी में डिब्ड है, अगर ये तार मकरी से बाहर निकल गया तो कनेक्शन टूट जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा, तो जो भी मैग्नेटिक फोर्स लग रही थी वो बंद हो जाएगी, ठीक है, वो कह रहा है इफ अ चार्ज दैट इज अ करंट पल्स, मतलब एकदम से एक धक्के में खूब सारा थोड़ी सी देख रहे करंट दौड़ा खूब सारा, तो बेसिकली आप ये कह लो कि एक बस एक चार्ज यहां से वहां पास हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा और क्या होगा, खुद ही कह रहे ये उछल जाएगा, तो बताओ कितनी ऊपर जाएगा, बहुत आसान सवाल है, सिंपल बात है यार, अगर जैसे मान लो करंट जा रहा है बी अंदर की तरफ है, तो वी क्रॉस बी सॉरी डीएल क्रॉस बी फोर्स ऊपर की तरफ लगने वाली थी, ठीक है कितनी लगती फोर्स, जो भी लगती आई एल बी फोर्स लगती, मतलब करो फोर्स कुछ लगती, ठीक है, और वो फोर्स की वैल्यू क्या मैं क्यूबी भी बोल सकता हूँ,
ठीक है, लेकिन अब खास बात यह है, या ये कह सकते हैं कि भाई सॉरी क्यूवी भी फोर्स को अगर मैं बोलता हूं कि किसी टाइम पे आईएल भी लग रही है, फोर्स करंट अगर आई जा रहा था, एल लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो फोर्स भी आईएल भी आएगी। इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं दोनों तरफ टाइम के टर्म्स में, तो एल और बी तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएंगे, लेफ्ट में क्या बचा, इंटीग्रल एफडीटी, जिसे हम कहते हैं इंपल्स या चेंज इन मोमेंटम, और एल और बी बाहर आ गए, इंटीग्रल आईडीटी वो हो गया एल बी, एल बी के लिए हो गया चार्ज के बराबर। ये बात समझ में आ रही है? जैसे आपने कहा ये चार्ज आ गया तो डेल्टा भी मिल गया, इसका मतलब क्यू चार्ज निकलेगा, एल दे रखा है बी दे रखा है, तो उसमें चेंज इन मोमेंटम आएगा। अच्छा वो हो गया पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इज इक्वल टू क्यू एल बी। व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम, जीरो, वो तो रुका हुआ था ना। और अगर मान लो उसको वी वेलोसिटी मिली, बस मतलब तार, ये तार के जाते कर चार्ज के निकलते ही, और अगर मुझे कहते वो ये पूछे कितनी हाइट तक जाएगा, ये हाइट दे रखी है, ठीक है, नहीं हाइट इक्वल 3 मीटर दे रखी है ना, क्यू निकालना है, हाइट दे रखी क्यू निकालना है, तो हम कह सकते अगर हाइट दे रखी है तो क्या मैं कह सकता हूँ अगर वी वेलोसिटी से रवाना हो गया, अगर वो निकल गया तो मरकरी से बाहर हो जाएगा, मरकरी से बाहर जाते साथ ही करंट हो जाएगा जीरो, मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगी जीरो, बस ग्रेविटी के हवाले बताने साथियों, कभी ऊपर उछलेगा कितनी ऊपर जाएगा, तो हम ये कह सकते रूट टू जाएगा, रूट टू अगर एच हाइट ऊपर जाता तो यानी कि इनिशियल जो मोमेंटम, मतलब इस तार के निकलने के जस्ट बाद जो मोमेंटम है, क्या मैं उसको एम इंटू रूट टू जी एच बोल सकता हूँ, अब वो क्या हो जाएगा क्यू एल बी, सॉल्व क्यू को छोड़ के बाकी का पता है ना जी, हाँ वो एनर्जी कंजर्व करके भी वही आएगा रूट टू जी एच ही आएगा, एम जी एच को हाफ एम बी स्क्वायर कर दिया आपने तो एम से एम कर जाएगा, ये रूट टू जी एच आ जाएगा, समझ में आई वाली बात। अच्छा ये 7 सेकेंड, थर्ड थर्ड क्या यार इतना लंबा सवाल, पार्टिकल ऑफ मास इतना चार्ज इतना ट्रेवलिंग विद स्पीड इतनी इज इन द एक्स डायरेक्शन एंटर द रीजन विच यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी आर प्रेजेंट सच दैट ई एक्स ई वाई आर जीरो, फील्ड जो है वो तो अंदर की तरफ, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, पार्टिकल इधर प्रोजेक्ट किया और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है, ई जेड जो है वो माइनस करके दे रखा है और बी एक्स बी जेड जीरो है, बी वाई दे रखा है यानी कि वाई मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, ठीक है, किसे पूछा रहा हाथ में, तो अगर यहाँ वेलोसिटी देंगे तो क्या होगा, तो वेलोसिटी देंगे तो फोर्स तो ऊपर लगी जाएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग जाएगी, एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल शूट किया ना इसको, ओ सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया, ई ई अंदर की तरफ है, हाँ ठीक है, तो वी क्रॉस बी तो फोर्स बाहर लगती, मैग्नेटिक फोर्स वी क्रॉस बी तो बाहर लग जाएगी और इलेक्ट्रिक फोर्स अंदर लग जाएगी, तो यही हो रहा होगा कि सीधे जाने वाला है, एंटर्स द पार्टिकल एंटर्स दिस रीजन एट ओरिजिन एट एंटी जीरो, डिटरमाइन द लोकेशन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट इक्वल टू दिस इफ द फील्ड इज स्विच्ड ऑफ। अच्छा ये वी की वैल्यू ई बाई बी के बराबर आ रही है क्या, एक मिनट सीधी सी बात है, देख ऐसा मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगी वो कितना लगेगी, बी क्रॉस बी बाहर की तरफ, तो क्यू वी बी के कैप, के कैप और माइनस क्यू ई के कैप, ये फोर्स हो जाएगी क्या इसके ऊपर बाहर की तरफ, ठीक है, डिवाइड बाय मास भी करोगे एक्सेलरेशन भी आ जाएगी, ठीक है, वैसे पता नहीं कि मुझे ऐसी फील आ रही है कि ये दोनों कट जाएंगे आपस में, कट रहे ना, हाँ ये तो फिर सवाल बहुत गंदा हो जाता, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसका मतलब ये सीधे सीधे जाने वाला, अब वो ये क्या इसके बाद क्या बोला उसने, डिटरमाइन द लोकेशन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट इक्वल टू 5 × 10⁻⁶ सेकंड्स, तो इसका मतलब फिर तो सीधी सीधी वेलोसिटी, जो वेलोसिटी थी उसी को 5 × 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि तो सीधा आ जाएगा वो यहाँ कहीं, वाई और जेड कॉम्पोनेंट जीरो हो जाएंगे, और से नेक्स्ट कॉम्पोनेंट आएगा, ठीक है, और क्या हुआ, If the electric field is switched off at this instant, अब electric field off कर दी, तो magnetic field के हवाले हो गया ये,
तो बी क्रॉस बी से ये फिर ये गोले फिर यही यहीं पे गोले काटना शुरू करेगा, तो उसका रेडियस वगैरह निकाल लोगे क्या? और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो कहाँ होगा निकाल सकते हैं, ऐसे घूमेगा तो कर लोगे? करके देखो 3D समझ जाएगा। अच्छा ये था थर्ड, फिफ्थ, फिफ्थ का सेकंड पार्ट, इफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी, दोनों पार्ट कौन है? हाँ क्या हो गया? आधी रिंग की वजह से सेंटर में फील्ड किधर आएगी? ये जो हॉरिजॉन्टल है ये एक्स है, ठीक है, ये y है और ये z है, तो एक एक तो आपका इस तरीके का हो गया और दूसरे भाई साहब ये यहाँ आ गए, ये दो फ्लैप है ना, ठीक है, एक में करंट जा रहा है इधर, एक में जा रहा है वापस, इसकी वजह से फील्ड, तो सेमी सर्कल की वजह से फील्ड निकालोगे सेंटर पे, दोनों सेंटर में आ रहे हैं क्या? और बहुत ही बढ़िया, मजा ही आ गया। हाँ इसकी वजह से फील्ड ऊपर और इसकी वजह से फील्ड माइनस आई कैप में, ठीक है, और फील्ड कितनी आएगी? म्यू नॉट आई बाय 4R, ठीक है, सेमी सर्कल की वजह से, और दिस इज जे कैप माइनस आई कैप, इतनी ही जे कैप में इसकी वजह से और इतनी ही माइनस आई कैप में उसकी वजह से फील्ड निकल जाएगी। ये कहा आई, ये सेंटर पे फील्ड आ गई, वेलोसिटी दे रखी है, ये फर्स्ट पार्ट में से वेलोसिटी दे रखी है, फोर्स पूछी है, पार्टिकल क्यू इज रिलीज्ड एट द ओरिजिन विद अ वेलोसिटी माइनस वी नॉट आई कैप, ये क्या मतलब? गलत बात नहीं, रिलीज भी बोल रहे हैं और माइनस वी नॉट आई कैप भी बोल दिया, पर चलो कोई बात नहीं, हम बुरा नहीं मानेंगे। तो अब इसकी वजह से इसने तो कोई फोर्स लगाई नहीं इस वेलोसिटी पे, क्योंकि इसकी वजह से तो फील्ड भी तो ही आ रही थी, जो लगेगी इसकी वजह से फोर्स लगेगी, वैसे तो खैर ठीक है ना यार, ये बी आई गया है तो वी वेक्टर पता है आपको, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करो खुश रहो, ये हो जाएगी फोर्स क्यू बी क्रॉस बी, ठीक है। तो फाइंड द इंस्टेंटेनियस फोर्स ऑन द पार्टिकल पूछा गया था, ये वैसे तो खैर निकल जाएगा, वो भी कोई खास बात नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आई थी और वेलोसिटी इधर की तरफ आ गई, तो वी क्रॉस बी तो फोर्स माइनस के कैप डायरेक्शन में लग जाएगी। तेरे चेहरे से लग रहा है कि तेरे को थोड़ी देर पहले समझ में आना बंद हो चुका है। वन पूछा तूने, टू पूछा, तूने दोनों पूछे भाई? हाँ मुझे एक बार को लगा मेरी मेहनत बेकार हुई। हाँ कौन से वाला? फोर्स का फील्ड का डायरेक्शन समझ में आ गए थे, पक्की बात। अच्छा तो फोर्स का बड़ा आसान है, वी इधर है तो इसमें दो फील्ड है, एक इसकी इसकी वजह से फील्ड ऊपर है और उसकी वजह से फील्ड लेफ्टी है, तो जो फील्ड लेफ्ट है उस वो वाली फील्ड तो कोई फोर्स लगाएगी नहीं इसके ऊपर, क्योंकि उसकी वेलोसिटी भी लेफ्टी है, उसमें भूल जा, ये तो लगाएगी। वी किधर है? वी जो है वो वी इधर है और बी कहाँ है? ऊपर है, तो वी क्रॉस बी अंदर आएगा, ठीक है ना, माइनस के कैप वैसे कर लो, या फिर सीधे क्रॉस प्रोडक्ट भी ले सकते, ये वी नॉट आई कैप और क्रॉस दिस थिंग कर सकते हैं। चलिए और बोलो। ओ सेकंड भी तो है, हाँ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या हो गया इसके अंदर? हाँ क्या सवाल? हाँ इफ एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड बी जे कैप इज अप्लाइड डिटरमाइन द फोर्सेस F1 एंड F2 ऑन द सेमी सर्कल्स। हाँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जे कैप लगा दी, ये तो बेकार है यार, क्या हुआ? अरे वो गोल घूमने से उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? अगर एक्सटर्नल फील्ड आपको यहाँ पे बी जे कैप लगा दी तो ये तार जो है वो तो उसका एल वेक्टर तो यही हो गया ना, बस यूनिफॉर्म फील्ड है तो किसी भी लूप के लिए आपको बस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक तो जाना है, टू पाई आर स्क्वायर। टू पाई आर स्क्वायर क्या होता है सर्कल में? अच्छा टू पाई आर, ओ हाँ तो टू पाई आर गलत दे लिया आपने, तो क्या यूनिफॉर्म फील्ड होती है तो फोर्स क्या होती है? आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होती है ना, तो एल वेक्टर क्या होता है अगर ऐसे गोल घूम रहा है तो ऐसे यही तो आएगा एल वेक्टर, तो वो टू आर आएगा जिसका आपने टू पाई आर लिया, वो टू पाई आर भी क्यों लिया, पाई आर लेते ना भाई आधा सा होता। अच्छा टू ओ पाई आर ऐसे और पाई आर ऐसे, अगर पूरे लूप पे नेट फोर्स देखी जाएगी तो ये प्लीज नॉट, इस पे भी जो फोर्स है इस पे भी वही फोर्स है,
कैंसिल नहीं हो रही दोनों की, क्योंकि क्लोज ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में, ऐसे वापस लौट के नहीं आया कर, ठीक है ना। अच्छा पांचवा क्या, लूप में जो करंट जा रहा है, नहीं सिर्फ एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल की वजह से फील नहीं करोगे ना, लूप की खुद की फील्ड से खुद पे फोर्स होने लगेगी, दूसरे पे एक्सटर्नल की वजह से पूछा होगा, उसकी वजह से खुद की वजह से पूछा नहीं होगा। क्या लिखा है इसके अंदर, डिटरमाइन द फोर्सेस एफ1 एफ2 ऑन द सेमी सर्कल्स ड्यू टू दिस फील्ड, है ना। दोनों मान के निकाला कैसे, हाँ वो निकाला कुछ नहीं, हाँ बस वो यही सोच के रह सकते, उससे अलग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अपने को इसकी वजह से, मैंने पहले ही बताई थी वाली बात, इसी लूप की वजह से सिवाय सेंटर या ज्यादा ज्यादा एक्सेस के किसी पॉइंट में फील पता है, उसके सिवा हम किसी भी पॉइंट में फील निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। मतलब एज फार एज आवर स्कोप इज कंसर्न हमारे मतलब उसमें ही नहीं है, क्योंकि वो काफी अच्छे खासे कॉम्पोनेंट और इंटीग्रेट ये एलिमेंट लेने पड़ते हैं तब जाके निकलेगा वो, और वो तो हमारी मैथ्स भी चाहिए पीछे छूट जाती थी, मैथ्स पढ़ते हैं एडवांस मैथ्स जितनी पढ़ते हैं वो भी वो उस केस में आता है, तो वो हमारे स्कोप में नहीं है, एक्सिस या सेंटर को छोड़ के किसी और भी जगह पर हम कभी भी नहीं निकालते, ठीक। अच्छा ये पांचवा, छठा तो हो गया होगा शायद, सातवां, पांच ही दिए थे, वाह क्या बात, लो जी फिर हो गया तुम्हारा डिस्कशन कंप्लीट। अच्छा एक काम करो, पहले एचसीबी के सवाल लिख लो, मैंने तो चैप्टर 35 के लिखवाए थे, अब चैप्टर 34 के लिखवा रहा हूँ। 35 जो था वो दैट वाज बेसिकली जो मैंने क्वेश्चन लिखवाए थे वो बायो सवाल थे, टॉराइड तक के थे, अब जो लिखवा रहा हूँ वो मतलब ये फोर्स टॉर्क मैग्नेटिक मोमेंट वो सारे भी उसके अंदर है, चैप्टर 34 बोलूं या लिख दूं, बोल दूं, लिखना शुरू करो, चैप्टर 34 ऑब्जेक्टिव्स तो देखो सारे चैप्टर्स के आपको करने ही है, ठीक है। मतलब हालांकि जो मेरे पास लिस्ट है आप लोगों का भी शायद होगी है, नहीं है तो कोई खास बात नहीं है, उसमें कई कुछ चैप्टर्स के अंदर ऑब्जेक्टिव्स में भी इंपॉर्टेंट लिखे हुए, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्टिव्स वैसे आपको सारे ही कर लेने चाहिए, इतने होते भी नहीं, और तो अगर सारे कलर अच्छा है। हाँ एक्सरसाइज के अंदर देखो चैप्टर 34 में 13, 13, 14, 21, 22, 26, 28, 42, 44, 45, 51, 52, 58 60 एंड 61, दोबारा 13, 14, 21, 22, 26, इंग्लिश में बोल दूं ज्यादा अच्छा है, 38, 42, 44, 45, 51, 52, 58, 60 एंड 61, ठीक है। ये करके लाओगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने हैं या तुम बता दो करने हैं, ठीक है करके लाना है नेक्स्ट क्लास। पुराने वाले वो करके थोड़े लाए होगे तुम, अरे नहीं कितने लोगों ने लाया छोड़ो, कितने लोगों ने वो करे हैं जो मैंने पिछले 35 चैप्टर के दिए थे, पार्शियली किए हैं वो, वैसे पार्शियल थे यार वो, उसमें से भी पार्शियल किए हैं, सेलेक्टिव में से सेलेक्टिव। अच्छा चलो ठीक है नेक्स्ट क्लास में करके लाना, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव जरूर करके लाना पहले दोनों चैप्टर के 34 और 35, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, एक बार जरा मॉड्यूल देना मुझे फट रही है। अच्छा एक सवाल दिया था मैंने आपको क्लास में करने के लिए, अल्फा वाला वो कैलेंडर वाला कर लिया तो बता दो फिर, एक मिनट पहले वो देख लेते हैं इसमें पकड़ना। स्क्वायर था ना वो 2a 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 साइड से मास आरो के एम थे है ना,
टू बी थी ओके ये स्क्वायर हो गया ये सारी साइड्स टू बी है और सारे मासेस एम है करंट जो है वो आई जा रहा है पूरे लूप में और ये ऊपर वाली जो एज है वो हिंज है ठीक है इसके अबाउट यहां से रोटेट कर सकता है और ऑब्वियसली मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो किधर होगा बाहर की तरफ ठीक है और ऐसे केस में हमने क्या किया कि हमने एक ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर दी जैसे ही हम एक ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन करेंगे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड इससे कहेगी कि भाई अगर ये जैसे अगर मान लीजिए ये फ्लैप था इस तरीके से इसका मैग्नेटिक मोमेंट यहां था ये यहां से हिज है मैग्नेटिक फील्ड क्या बोलेगी घूम जा मैग्नेटिक फील्ड बोलेगी मैग्नेटिक मोमेंट को वही तरफ देख लेकिन जब इसको घुमाएगा जिसको कोशिश करेगी ग्रेविटी कहेगी कहा जा रहा है इधर देख तो बीच में कहीं इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा अब वो जो इक्विलिब्रियम पे आएगा तो ये प्लेन हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल से जो एंगल बना रहा है वो आपसे पूछा जा रहा है कैसे निकालेंगे हम इसको तो पहले तो दूसरा डायग्राम बना लेते हैं साइड से देखने मुझे अच्छा लगे तो वो एंगल नजर तो आए तो ये इसके हिसाब से तो ये है कि ये बाहर की तरफ निकला है और उसका एंगल निकालना है बोर्ड के साथ तो थोड़ा ये हो जाएगा अगर हम इधर से देखते हैं तो क्या नजर आएगा मान लो ये पॉइंट ए है ये बी है ये सी है और ये डी है तो हम ये कह सकते हैं कि इधर से देखने पर ये थोड़ा सा ऊपर आता ओरिजिनली तो खैर ऐसा था कि ये हिंज है और यही लाइन ए है उसके पीछे डी है और ये बी है उसके पीछे सी है और इसमें जो करंट है वो नीचे की तरफ आ रहा है और मैग्नेटिक मोमेंट इधर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड हमने ऊपर की तरफ अभी ऑन करी है मैग्नेटिक फील्ड ऑन करने के बाद हमें नजर आएगा कि वो फील्ड इधर की तरफ आ जाएगी मैग्नेटिक मोमेंट इधर आ जाएगा ये हो गया एम और ये वर्टिकल है ये वाला एंगल अल्फा है ये करंट इधर की तरफ है और यहां क्या होगा अब सिंपल सी बात है कि अगर ये इस जगह पे इक्विलिब्रियम में आ गया है तो इसका मतलब टॉर्क क्या हो जाएगी जीरो फोर्स तो हमेशा ही जीरो थी मतलब मैग्नेटिक फोर्स जीरो थी ठीक है अगर मैं आपसे ये पूछिए बताओ हिंज ने कितनी फोर्स लगाई है हिंज ने अभी कितनी फोर्स लगाई है हिंज ने फोर्स लगाई है कितनी लगाई है कितनी लगाई है 4 mg क्यों क्योंकि क्लोज लूप है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो कोई फोर्स लगाती नहीं है मैग्नेटिक फोर्स कितनी है तीन ही लोग है जो यहाँ पे फोर्स लगा सकते हैं एक हिंज एक ग्रेविटेशन फोर्स मतलब एक ग्रेविटी और एक मैग्नेटिक फील्ड और मैं पता है मैग्नेटिक फील्ड तो कभी क्लोज लूप पे कोई नेट फोर्स लगाएगी नहीं अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो जो कि यहाँ है यानी कि हिंज ने कोई फोर्स लगा रखी है हालांकि हमें उसकी जरूरत नहीं है दैट वाज जस्ट एन एडिशनल क्वेश्चन ठीक है कभी कहीं पूछ लो तो हाल फिलहाल हम लोग टॉर्क बैलेंस करना चाहेंगे कौन सा पॉइंट सबसे बिल्कुल बढ़िया रहेगा जिसके अबाउट टॉर्क बैलेंस की जा सकती है हिंज के अवार्ड कर लो कम से कम हिंज की फोर्स का टॉर्क नहीं देखना पड़ेगा ठीक है तो हिंज के अवार्ड कर लेते हैं तो एक तो यहाँ पे एक बात यहाँ हो सकता है किसी के दिल में ख्याल आए कि सर चार रॉड थी एक रॉड तो हिंज पे ही है तो मुझे बताओ जो एम जी लिखूंगा वो 4 mg लिखू या 3 mg लिखू किसी के दिल में अब कोई सर अभी तक तो नहीं आया था यह ख्याल अभी भी आया हाँ यार बात तो सही है एक रॉड तो वही है 3 mg भी लिख सकते थे आप लेकिन उस केस में फिर जो सेंटर ऑफ मास होता जहां पर हम इफेक्टिवली वो mg लगाते वो भी 3 rod के लिखते ठीक है अभी जो हम खुशी खुशी बिल्कुल बीच में लगाने के पूरे मूड में बैठे ना तो यहाँ लगा यहाँ यहाँ वो हम इसे लगा पा रहे हैं क्योंकि हम पूरी रॉड को के सारे मास देख रहे हैं तो यहाँ लग जाएगी नीचे की तरफ 4 mg ये बात समझ में आ रही है क्या ये दूरी कितनी है बी ठीक है तो सेंटर के अबाउट सॉरी हिंज के अबाउट जो टॉर्क आएगी एमजी की वो कैसे आ रही है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये अगर ऐसे घूमेंगे इस पॉइंट के अबाउट ये जो टॉर्क आ रही है ये क्लॉकवाइज आ रही है एंटी क्लॉकवाइज आ रही है घड़ी दो घड़ी क्लॉकवाइज कहते हैं इसको ये इधर घूम रहा है ना एनीवे कितनी हो गई वो 4 mg मल्टीप्लाइड बाय ए बी साइन अल्फा ये बात समझ में आई क्या क्योंकि ये तो हो गई फोर्स और ये हो गया लीवर आर्म आई होप
रोटेशन थोड़ा बहुत तो सामने आता ही होगा, पूरा आता है क्या? चलो कोई बात, जितना आता है उतना ठीक है, इतना तो आता है। अच्छा तो 4mg इंटू बी साइन अल्फा, ये आ गई टॉर्क क्लॉकवाइज। और कौन सी टॉर्क आएगी? दिस शुड बी इक्वल टू मैग्नेटिक टॉर्क। अब मैग्नेटिक टॉर्क कितनी है? एम क्रॉस बी, एम बी नहीं, एम क्रॉस बी। तो एम इधर है और बी ऊपर है, अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा है, ये अल्फा है तो ये वाला एंगल कितना है? 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ क्या आ जाएगा टॉर्क? क्या आ जाएगी? एम इंटू बी इंटू साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा। अच्छा हुआ साइन 90 माइनस अल्फा आया, साइन अल्फा आ जाता तो साइन अल्फा कट जाता, तो निकालते क्या? अल्फा निकाले थे ना, इसका मतलब, उसका मतलब क्या होता कि कहीं भी रख दो इक्विलिब्रियम ही है। मतलब अगर कभी मैथमेटिकली ही जो चीज तुम निकाल रहे हो वो कट जाए, इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन, आप जहां छोड़ दो वो वहां खुश है। ठीक है जी, हो गया काम? हाँ तो एम की वैल्यू कितनी है? एम तो अब तो हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्वेश्चन को ख्याल बचा नहीं, बस एम को एम से काट कर देना। ठीक है, वो मास है, ये मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक है, और बी बी बी, अरे यार क्या है, एम भी आ गया बी भी आ गया, वो तो सब कब काट गए पता नहीं, ये भी कट गया वो भी कट गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम सॉरी फोर, इनकी वैल्यू कितनी है? मास एम है। हाँ जी बी साइन, साइन अल्फा को टेन लिख, यहाँ टेन अल्फा लिख दूंगा सीधे, वो कॉस अल्फा नीचे ला के। और कैपिटल एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? फोर बी स्क्वायर, आई आई इंटू फोर बी स्क्वायर चलेगा, नंबर का टर्म तो एक ही है, मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल बी, जो कट जाए बढ़ जाए। ठीक है, बाकी अल्फा आ जाए। अब क्या लिख सकते हो क्या इसको? लिख लिया इतना, आगे बढ़े नेक्स्ट। इसके बाद अब देखो टॉर्क की बात है तो ये होती है, इसके बाद होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में क्या है? अब यहां पे अगर आपको याद आ रहा हो तो हम ये बात जानते हैं कि जैसे डायपोल मोमेंट होता था वैसे मैग्नेटिक मोमेंट होता है, वहां पे भी टॉर्क होती थी पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, यहां पर भी टॉर्क होती है एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वहां पे एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हुआ करती थी माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ऐसे ही यहां पर भी हम पोटेंशियल एनर्जी के नाम पे एक चीज लिखते तो हैं और वो माइनस म्यू वेक्टर डॉट बी वेक्टर होती भी है, पर एक सवाल ये आता है कि ये जो म्यू डॉट बी है ये एक्चुअली चीज क्या है? क्योंकि अगर हम बाय डेफिनेशन देखें पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी चीज है विच इज द
रेट और सॉरी इट इज अ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स में तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में तो ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड ही वर्क करती है ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो हम शुरू से जानते हैं कि बहुत ही निकटू और क्या निगम्मी निकटू और नकारा किस्म की होती है और ये कोई वर्क कभी करती ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे यू क्या है ठीक है, तो यहाँ पे हमको थोड़ी सी ग्लिम्स मिलती है अगले चैप्टर की, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो क्या होता है, हम लोग क्या बड़े आराम से ये कह देते हैं कि करंट आई जा रहा है, और वो जो आई करंट है वो कांस्टेंट आई नहीं होता, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे साहब ने बात बताई थी, बहुत ही खूबसूरत बात थी, और वो ये थी कि अगर कोई लूप है और उसका कुछ फ्लक्स है मैग्नेटिक फ्लक्स किसी लूप का, और जब वो फ्लक्स अचानक वेरी करता है तो भले इसमें कोई बैटरी ना लगी हो, अगर उसमें कोई उसका फ्लक्स अचानक वेरी करता है तो उसके अंदर भूतिया बैटरी अपने आप जनरेट हो जाती है, अपने आप बैटरी जनरेट हो जाती है जो इसके अंदर करंट दौड़ाती है। बिना बैटरी का करंट दौड़ता है होता है हमारे चारों तरफ उस वक्त भी हो रहा है ठीक है। अब वो सुनने वाली क्या बात करो, तो बिना बैटरी के नहीं, अब यही है कि मतलब जो ईएमआई बैटरी जो ईएमआई बैटरी जनरेट करती है वो ईएमआई चेंजिंग फ्लक्स से भी जनरेट होता है ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि जब हम ये इस तरीके के सवाल करते हैं कि इसको ऊपर कर दिया नीचे, क्या आपको बात समझ में आ रही है कि अगर ये जो लूप था इसको मैं अगर बिल्कुल ऐसे रख दूं तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा क्योंकि सारी फील्ड लाइन पैरेलल निकल जाएगी, और इसको ऐसे कर दूं तो फ्लक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जब ये ऐसे घूम रहा है तो इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ रिड्यूस होना चाहिए, होगा, और इसका मतलब अच्छा कभी कभी वो ईएमएफ जो करंट मतलब प्रेजेंट करंट है उसको बढ़ाएगा, कभी कभी वो बहते हुए करंट को अपोज करेगा ठीक है। लेकिन हम तो बड़े मतलब कन्वीनियंटली बोल देते हैं लेट द करंट बी आई, और हम आई के हिसाब से पूरा सॉल्व कर डाला उसको और चल रहा है बढ़िया काम, लेकिन इसमें पंगा है कि जैसे ही आपने बोला करंट आई है तो यहां पर ये हो गया कि यार करंट तो अगर करंट आई है, अगर मान लो एक बैटरी ऐसी लग गई जो उस करंट को बढ़ा रही है या उसको उस करंट को अपोज कर रही है, तो इसका मतलब हमें एज एन एक्शन लेना पे अलग से डिवाइस लगानी पड़ेगी जो उस कम होते हुए करंट को सपोर्ट करे और एनर्जी पर यूनिट टाइम अंदर डाले सिस्टम में। और अगर मान लो वो जो भूतिया बैटरी है वो प्रेजेंट करंट को कम करने की कोशिश करने लग जाए, तो उस करंट को मेंटेन करने के लिए अगर वो कम करने की कोशिश करे तो हमको उसको मेंटेन करने के लिए एक्शन लेनी पड़ेगी, और अगर भूतिया जो बैटरी है वो जो बह रहा है ऑलरेडी करंट उसी को सपोर्ट कर रही है और बढ़ा रही है तो करंट मेंटेन करने के लिए हमको सिस्टम से एनर्जी बाहर भी निकालनी पड़ेगी। तो यहां पर ये जो एनर्जी है ये बेसिकली एक तरीके से उस एडिशनल एजेंट की एनर्जी है। इसके बारे में और बातचीत करेंगे जब हम लोग अगले चैप्टर के अंदर जाएंगे और ईएमआई की एग्जैक्ट कैलकुलेशन देखेंगे, फैराडेज़ लॉ क्या कहता है और क्या होता है वो सब बातें करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी के लिए बस इतना सा जान लो कि मैंने सारी कहानी सिर्फ इसलिए सुनाई कि हो सकता है कभी किसी के दिल में ये ख्याल आ जाए या आपके सामने एक क्वेश्चन ऐसा कभी आ जाए कि भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड कभी कोई वर्क करती ही नहीं है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने का मतलब क्या है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी साथ में वो एक जो डिवाइस है जो करंट मेंटेन किए हुए है ये उसके द्वारा सप्लाइड एनर्जी है। मतलब आप ये मान लो कि सिस्टम की एनर्जी और उस डिवाइस की एनर्जी का मिक्सचर जो है वो कांस्टेंट रहने वाला ठीक है। तो ये एनर्जी बेसिकली एक एडिशनल सिस्टम है, सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड की गई एनर्जी है जो करंट को कांस्टेंट मेंटेन रख रही है ठीक है, ड्यू टू द जो भी वेरिएशन आ रहे हैं ईएमआई के अंदर उसकी वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से करंट के अंदर। अब बात आती है कि सवाल, अब ये एनीवे ये जो बात जो थी इस एक्सप्लेनेशन को कोई आपसे पूछेगा नहीं ठीक है, ये तो सिर्फ इसलिए थी कि अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि जब मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क नहीं करती है तो पोटेंशियल की कहां से, तो पोटेंशियल की मैग्नेटिक फील्ड की नहीं है, वो एडिशनल सोर्स की है जो करंट कांस्टेंट मेंटेन कर रहा है, बस इतनी सी बात। अच्छा
अब यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिंपल से हैं, कोई खास बात नहीं है। जैसे कि अगर मैंने कहा कि भाई यूनिफॉर्म मैग्नेट फील्ड यहाँ पे उधर की तरफ है और लेट्स एक मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा रखा हुआ है, मतलब एक रिंग है या डिस्क कुछ होगा, मैंने सिर्फ सीधा उसका मैग्नेटिक मोमेंट ही शो किया है। लेट अस से मैग्नेटिक मोमेंट है एम, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ठीक है। और लेट अस से शुरू शुरू में ये वाला एंगल 60 डिग्री था और इसको रेस्ट से छोड़ दिया, जा बेटा जा जी लो की जिंदगी, तो क्या होगा? तो ये उधर उस तरफ जाएगा। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी इन द सब्सिक्वेंट मोशन, ठीक है। इफ ओमेगा नॉट इज जीरो, फाइंड ओमेगा मैक्स इन फॉलोइंग या सब्सिक्वेंट इन फॉलोइंग मोशन। जब छोड़ेंगे तो उसके बाद जो मोशन आएगा उसमें मैक्सिमम ओमेगा कितनी आएगी। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? ऐसा क्वेश्चन डाइपोल मोमेंट के टाइप पे किया था क्या? क्या करा? हल्का हल्का कुछ नहीं करना, एनर्जी कंजर्व करनी, ठीक है। तो भाई अगर ये ऐसे था, सिंपल सी बात तो ये है कि क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि जब तक ये इसके साथ अलाइन नहीं होता तब तक इस पर टॉर्क लगती रहेगी घुमाने के लिए, ठीक है। तो ये यहां तक आते आते तो इसकी ओमेगा बढ़ती रहेगी, अरे जैसे इसने यहां पे पहुंचा तो ओमेगा टॉर्क हो गई जीरो, लेकिन अब तो ओमेगा आ गई तो ये आगे जाएगा, जैसे आगे जाएगा तो एंटी टॉर्क लगेगी रोकने के लिए, कह रहे वापस आओ काया रहो। तो उसके बाद पहली बार ब्रेक लगने शुरू होंगे और ब्रेक लगते लगते क्या आपको, क्या आप ये बात इमेजिन कर पा रहे हो यहां से अगर रवाना हुआ था तो ब्रेक लगते लगते वो यहीं तक पहुंचेगा उतने एंगल तक, फिर वापस वहीं तक जाएगा और ये ऐसे करेगा, ये क्या करेगा? ऑसिलेटरी मोशन, ये SHM नहीं है, क्योंकि जो टॉर्क है वो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल आ रही है, थीटा के नहीं। स्लाइटली डिस्प्लेस करके तो अपन टाइम पीरियड वाले निकाल चुके हैं ना, उतना निकलेगा, ठीक है। तो अब कैसे करोगे इसको, मतलब ओमेगा की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो हमें इतना सा समझ में आ गया है कि मैक्सिमम ओमेगा कब होगी, मैक्सिमम ओमेगा कब होगी? जब ये उसके पैरेलल हो जाएगा। तो अगर मैं यहां से लेके वहां तक इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोलूं तो काम चलेगा क्या? व्हाट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखी जाएगी? उम्मीद है आपको तो याद आ रहा होगा इस केस में कि यू मिनिमम कितना होता है, माइनस म्यू बी, जब थीटा की वैल्यू जीरो होती है, और फिर एक बीच में यू परपेंडिकुलर वाला होता है जीरो जब थीटा 90 होता है, और यू मैक्सिमम कब होता है, कितना होता है? प्लस म्यू बी, और वो कब होता है? जब थीटा की वैल्यू 180 होती है। ये बातें याद आ रही हैं क्या? ये करी हुई है आपने पहले डायपोल केस में, बहुत पुरानी बात होगी वैसे। अच्छा अब यहां पे क्या लिखोगे आप, कैसे बताओ क्या करेंगे बताओ? तो फाइंड ओमेगा मैक्स इन द फॉलोइंग मोशन, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखी जाएगी? माइनस एम इंटू बी इंटू कॉस, कितना? कॉस 120, क्योंकि शुरू में ये वाला एंगल 120 है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल तो 120 है ना, इधर ये 60 दे रखा है, तो ये आ गया कॉस ऑफ 120 प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। जब यहां पहुंच गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? हाँ बस ये सुनना चाहता था मैं। अरे जब ये यहां पहुंच गया तो पोटेंशियल कितनी हो गई? मिनिमम हो गई ना, माइनस म्यू बी, मिनिमम जीरो नहीं होती। अभी इसे लिखा स्पेशल तो मान लिए, हाँ तो ये माइनस एम बी होगी और प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और मेरी बात, कॉस 120 कितना होता है बोल दो? माइनस हाफ, तो माइनस हाफ होता है तो वहां पे ये एंगल चला जाएगा, टू से टू कर जाएगा और ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 3 एम बी बाय आई का रूट, मैक्सिमम ओमेगा इतनी आ जाएगी। समझ आई वाली बात? अरे आई कि नहीं आई देखो। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है,
लिख लिया इतना। इसी में एक क्वेश्चन और हो सकता है कि ये सिचुएशन है, सेम सिचुएशन, मैग्नेटिक फील्ड पी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और मैग्नेटिक मोमेंट न्यू है। अगर मैं इसको एक ओरिजिनल ओमेगा नॉट दू तो क्वेश्चन इज फाइंड द मिनिमम ओमेगा नॉट सो दैट द सेंस ऑफ रोटेशन नेवर चेंजेस। ठीक है, फाइंड ओमेगा नॉट मिनिमम वैल्यू इफ सेंस ऑफ रोटेशन नेवर चेंजेस। ये कैसे करेंगे यार, भाई सीधी सी बात है, अगर रेस्ट से छोड़ दिया तो क्या होगा, तो रेस्ट से छोड़ेंगे तो अगर ये 60 डिग्री एंगल था तो ये इधर 60 डिग्री एंगल पे वापस आ जाएगा, बोले ये यहां से निकलेगी और ये यहां तक आकर रुकेगा, फिर ऐसे जाएगा और ये तो झूलता रहेगा ऐसे। थोड़ी ज्यादा ओमेगा देते तो ये थोड़ा और आगे तक जाता, फिर वापस चला जाता और फिर ऐसे भी घूमता रहता। और ज्यादा ओमेगा देंगे, अगर मान लो ऐसी ओमेगा दे दी कि ये जस्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाले कंडीशन में पहुंच गया तो बस हमारा काम हो गया, क्योंकि अभी वापस तो नहीं आया, रुक गया। और उससे जरा सी भी ज्यादा ओमेगा और होती तो हल्का सा भी अगर ये ऊपर निकल जाता तो फिर ये घूमता और फिर ऐसे 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 पर एक ही सेंस में घूमता रहता और उल्टा नहीं आता एक बार, समझ में आ रही वाली बात। तो अगर आप ये चाहते हो कि उसका सेंस ऑफ रोटेशन कभी चेंज ना हो तो इसका मतलब आपको करना क्या होगा कि उसको बेसिकली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन तक भले गिरता पड़ता रहता सरकता वो पहुंच जाए, उस वहां तक पहुंच जा और वहां से अगर थोड़ा सा आगे कूद गया तो और अच्छी बात। तो हम क्या कह सकते हैं कि U1 plus K1 की वैल्यू अगर U2 plus K2 के बराबर करनी है, U1 क्या है, U1 की वैल्यू तो इनिशियल पोटेंशियल तो यही थी तो वो तो आई गई -μb cos 120। ठीक है, K1 हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर फाइनल पोटेंशियल है जी, फाइनली वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में पहुंच गया तो पोटेंशियल कितनी जाएगी, प्लस है प्लस μb और K2 इज जीरो क्योंकि जस्ट पहुंचा है, हम मान के चल रहे सॉल्व करके हम लोग अब ओमेगा नॉट निकाल सकते हैं क्या, वैसे वो प्लस म्यू नॉट बाई टू हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इनफैक्ट ओमेगा नॉट की वैल्यू यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से म्यू बी बाई आई ही आ जाएगी, रूट ओवर म्यू बी आई, इस बार 3 आया था, इस बार 3 भी नहीं आया, तो एम ही लिखा था क्या वहां पर, समझ में आई बात। चलो इतना काफी आज के लिए, बस एक मूवी का कैलकुलेटर बचा हुआ है, छोटी चीज है, कोई खास बात नहीं, कर लेंगे साथ में। होमवर्क तो एचसी वाले सवाल है ही सी, ऑब्जेक्टिव वाले और एचसी, कौन सी चैप्टर 34 करके लाओगे, कौन सी क्या करके लाओगे, 34 कर लाना। ठीक है, हालांकि सोल्यूशन यूट्यूब पे डाले हुए हैं, पर ठीक है चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे डिस्कस, सामने बैठ के जा रहा हूँ यार। ठीक है तो कर लेना तुम, ठीक है तो चैप्टर 34 हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, चैप्टर 34 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए और ऑब्जेक्टिव सारे, ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2 वो क्वेश्चन पर शॉर्ट आंसर्स नहीं कर रहे हम लोग डिस्कस, क्योंकि वो तो आपके फूड फॉर थॉट है। ठीक है और बस ये करके लेना, और एक ये हो जाएगी मेरे ख्याल से रेस, उसमें शायद एक क्वेश्चन है मूविंग ऑफ किलोमीटर का, वो छोड़ देना। रेस 44 हो गया, रेस 44 एंड एचसीडी के क्वेश्चंस। ठीक है चलिए, और ये चैप्टर ऑलमोस्ट बिल्कुल खात्मे की तरफ ही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।